नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी लास्ट वीक हम लोग ने देखा, मंडे जो स्टार्ट हुआ था वो एक अच्छे हाई प्राइस पे हुआ था, बट एंड ऑफ द वीक तक मतलब जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी वो ऑलमोस्ट लो के पास थी। और हम लोग ने देखा कि निफ्टी ने ऑलमोस्ट लास्ट वीक में 370 पॉइंट का करेक्शन किया, जबकि मैं देख रहा हूँ कि बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का करेक्शन किया। यहाँ पे मतलब मेरी लास्ट टू लास्ट वीक एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट शायद 15,050 को भी ब्रेक करेगा और एक अच्छा अपसाइड मोमेंट अब हम लोगों को देखने मिल सकता है। बट मार्केट ने ये वीक में पूरा, आप बोल सकते हो कि लास्ट वीक का जो भी गेन था उसको पूरा ऑब्जर्व कर लिया। अभी मैं यहाँ पे क्लियरली देख रहा हूँ कि लास्ट टू लास्ट वीक हमारे जो निफ्टी का लो था वो समवेयर अराउंड 14,416 था, और ये वीक का जो लो है वो समवेयर अराउंड 14,592 का है। तो मतलब इससे मुझे एक क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट अभी भी एक मतलब एक रेंज बॉन्ड में फंस गया है। मार्केट को अपसाइड में एक 15,050 का रेजिस्टेंस है निफ्टी को, और बॉटम साइड में एक छोटा सा सपोर्ट है विच इज 14,700। ये निफ्टी की बात है, और बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम ही मोमेंटम हो रहा है, मतलब बैंक निफ्टी भी एक रेंज में स्टक हो गया है। पर फिर भी ऐसे मार्केट में अभी कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिसने लास्ट वीक अच्छे ब्रेकआउट्स किए थे, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। और मैं आप लोगों को एक स्टॉक हमारा जो बुर्ज खलीफा है उसके बारे में आप लोगों के मुझे बहुत मतलब ट्विटर पे आप लोगों के मैसेज आए, हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोगों के मैसेज आ रहे थे, तो मैं आप लोगों को वो स्टॉक का भी एक बार एनालिसिस फिर से करके दिखा दूंगा। देखो, मैंने आप लोगों को जब भी वो स्टॉक शेयर किया था ना, तभी भी मैंने आप लोगों को बोला था कि इसकी अच्छी बाइंग मतलब रेंज कौन सी है, कौन से अच्छे रेंज में आप बाय कर सकते हो। बट बहुत सारे लोगों ने वो चीज को समझा ही नहीं और एक हायर प्राइस पे परचेस कर लिया, और अभी बहुत सारे लोग मुझे कंटिन्यूसली मैसेज कर रहे थे कि सर वो स्टॉक तो नीचे आ गया है। तो आज मैं आप लोगों को वीडियो में आफ्टर निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस सबसे पहला जो स्टॉक है वो मैं आप लोगों को टाटा मेटालिक के बारे में ही बताऊंगा कि एक्चुअली उसका एनालिसिस मैंने आप लोगों को क्या बताया था और उसका एनालिसिस अभी भी क्या है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे स्टॉक शेयर करूंगा जो अच्छा ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग हमारे स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं कि वो स्टॉक्स कौन से हैं। तो आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हो ये स्पॉट निफ्टी का चार्ट है। अभी लास्ट वीक में हमारा एनालिसिस ये था कि भाई निफ्टी को रेजिस्टेंस 15,050 का है, उसके बाद 15,300, और एक छोटा सा रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को बोला था कि 14,700 का भी है, और सपोर्ट की जो मैंने आप लोगों को बात की थी 14,420, उसके बाद हमारा 14,170। तो अगर मैं ये वीक में आप लोगों को बोलूं तो जो मेरा एनालिसिस है उसका व्यू जरा भी चेंज नहीं हुआ है। अगर आपने देखा मतलब ये पूरे वीक में यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ था मंडे से मतलब समवेयर अराउंड 14,966, और मतलब फ्राइडे का जो लो था वो अगेन 14,592 था, और ये फ्राइडे में जो क्लोज है वो समवेयर अराउंड 14,680 के आसपास हुआ है। तो अगेन मेरे लिए वही व्यू रहेगा जो मेरा लास्ट का व्यू था। मेरा एक शॉर्ट रेजिस्टेंस मतलब एकदम इंट्रा शॉर्ट रेजिस्टेंस है 14,700, उसके ऊपर मेरा इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है जो बहुत वीक से मार्केट क्रॉस नहीं कर रहा है विच इज 15,050, और उसके बाद 15,300, और जो बॉटम साइड का जो सपोर्ट है वो अगेन मेरे लिए सेम ही है ऑलमोस्ट 14,420 का जो अपना सपोर्ट था वही है, उसके नीचे अगेन 14,170। अभी अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, मतलब लास्ट वीक में ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट गिर चुका है, और बैंक निफ्टी के लिए जो मेरा आने वाले वीक में जो रेजिस्टेंस है वो सबसे पहला जो मेरा रेजिस्टेंस है वो 32,300 है, जो ऑब्वियसली ये वीक का हाई है, और जो मेरा फर्स्ट सपोर्ट है जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में बोला था विच इज 31,900। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी और गिरती है तो मेरा नेक्स्ट सपोर्ट है 30,900 का। तो ये मेरा बैंक निफ्टी में सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को बताया मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 33,300 का है, उसके बाद 34,300 का है। तो आने वाले वीक में ये बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पे आप लोगों को ध्यान रखने चाहिए। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोगों को दो हफ्ते पहले एक स्टॉक शेयर किया था जिसका नाम था टाटा मेटालिक। मैंने आप लोगों को बोला था कि ये स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, और ये हमारे स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में सेकेंड टाइम रिकमेंडेड स्टॉक था। तो क्या हुआ ना, वो स्टॉक का मैं आप लोगों को चार्ट दिखाता हूं। तो ये रहा वो स्टॉक, और मैंने आप लोगों को बोला था कि 970 और 1000 के ऊपर इसका एक ब्रेकआउट है, और अपसाइड में मुझे 1650 2000 रुपीस का लेवल दिख रहा है। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट वीक वो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1374 का हाई मार दिया, और मैंने आप लोगों को वीडियो में बहुत ही क्लियरली बोला था कि भाई 1000 और 970 इज द गुड एरिया टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक। अब जनरली क्या होता है ना, जब भी स्टॉक चलता है तो सब लोग अपने फोमो में आके मतलब वो स्टॉक को परचेस कर लेते हैं, बट कभी भी एक अच्छा बाइंग लेवल नहीं याद रखते।
मतलब सब लोगों को ये लगता है कि भाई वो स्टॉक अभी चल जाएगा, 2000 का हो जाएगा, हम लोग ये रैली मिस कर देंगे, और वो चक्कर में महंगा खरीद लेते हैं। पर ये स्टॉक जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि 2 हफ्ते में वापस से 1026 हो गया है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आए थे कि सर ये स्टॉक तो वापस गिर गया है, इसका क्या करना चाहिए एंड सो ऑन। तो अभी आप लोग ये जो चार्ट देख रहे हो ये वीकली का चार्ट है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिखा भी हुआ है गुड नियर 1970। अभी मैं आप लोगों को इसका डेली चार्ट बताता हूँ। देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली क्या चीज है ना, जब भी इसका प्राइस बढ़ा तभी इसका वॉल्यूम बढ़ा था, आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो राइट। और जब भी इसका प्राइस गिर रहा है तभी इसके वॉल्यूम में तो कोई मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब इसका वॉल्यूम एकदम ना के बराबर है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जब इसका प्राइस राइज हो रहा था तभी इसके ऑपरेटर एक्टिव थे, जब इसका प्राइस फॉल हो रहा है तभी इसके ऑपरेटर इसको बेच नहीं रहे हैं, या फिर इसमें जो भी चीज हो रही है। बट जब ये प्राइस गिर रहा है तभी ये स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब कोई भी बड़ा प्लेयर इसमें से एग्जिट नहीं हो रहा है। और आप यहाँ पे देखोगे दो कैंडल में ये स्टॉक ने, मतलब अगर आप बोलो तीन कैंडल में ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 950 से 1370 तक का रैली ले लिया, वापस से उसको ऑलमोस्ट 7 कैंडल या 8 कैंडल लगे नीचे आने के लिए। तो यहाँ पे देखो ऊपर जाने की स्पीड सबसे ज्यादा थी कंपेयर टू नीचे आने से, तो ये भी एक एनालिसिस बनता है। तो अभी अगेन मेरा व्यू इसमें स्टिल वही है कि ये 1970 के आसपास बहुत अच्छा है, इसमें जो मेरा टारगेट है वो अभी भी इंटेक्ट है 1650-2000 का। और अगर ये स्टॉक 840 लेवल तोड़ देगा तो ही ये स्टॉक वीक होगा, ये चीज आप ध्यान में रखिए। देखो मैं आप लोगों को हर वीडियो में ये सारी चीजें बताते रहता हूँ, फिर भी मुझे ये नहीं समझ में आता है कि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, मतलब उसको मिसगाइड कर देते हैं। तो प्लीज आप ये सारी चीजों को ध्यान में रखिए, मतलब अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस में खरीदोगे तो ही आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। अभी हमारे लिस्ट में जो सबसे आज का फर्स्ट स्टॉक है, मतलब स्टॉक्स फॉर द वीक का सबसे पहला स्टॉक है, उसका नाम है प्राज इंडस्ट्री। अभी आप देख सकते हो कि 2007 में प्राज इंडस्ट्री को एक लेवल था, मतलब रेजिस्टेंस लेवल था, विच वॉज 270। अब वो 2007 का लेवल अब जाके, मतलब 2007 का लेवल अभी जाके कहीं पे उसने ब्रेकआउट दिया है, मतलब आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो कि ये ब्रेकआउट कितने साल पुराना है राइट। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये ब्रेकआउट भी बहुत स्ट्रांग हुआ है प्राज इंडस्ट्री का, मतलब 270 के ऊपर का जो अपसाइड लेवल है वो मुझे 515 और 550 का दिख रहा है। अगर ये स्टॉक वापस से 220 ब्रेक कर देगा तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान में रखिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी प्राज इंडस्ट्री का जो प्राइस चल रहा है वो 313 चल रहा है, और इसका ब्रेकआउट जो हुआ है वो 270 के आसपास हुआ है। तो अगर आप लोगों को इसमें एंट्री करनी है तो आप ये लेवल को ध्यान में रखिए, मतलब ये लेवल को कंसिडर करिए, बिकॉज 270 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर फ्यूचर में वापस से प्राज इंडस्ट्री 270 के आसपास आता है तो भी अगेन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ये स्टॉक में एंटर होने के लिए। हमारा जो आज का सेकेंड स्टॉक है उसका नाम है आरती ड्रग्स लिमिटेड। अगर आप में से बहुत सारे हमारे पुराने व्यूअर हो तो आप लोगों को पता होगा कि ये स्टॉक को मैंने 1-1.5 साल पहले रिकमेंड किया था हमारे स्टॉक्स फॉर द वीक वीडियो में ही। उसके बाद ये स्टॉक ने हमारा टारगेट भी अचीव किया था, उसके बाद ये स्टॉक 1:4 में स्प्लिट भी हो गया था। अभी क्या है ना कि जो स्टॉक कंटिन्यूसली एक अच्छी रैली दे चुका है, मतलब आगे जाके फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि वही स्टॉक वापस से एक अच्छी रैली देता है, पर वो स्टॉक में एंट्री करने का एक टाइम होता है। तो अभी ये स्टॉक में एंट्री करने का टाइम मुझे लग रहा है वो आ गया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली दी थी ये लेवल्स पे, उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे ये स्टॉक कंटिन्यूसली कूल डाउन कर रहा था, मतलब ये स्टॉक कहीं पे भी नहीं जा रहा था। अगर एक आप बोलो तो साइडवेज एरिया में आ गया था, मतलब समवेयर अराउंड 810 और 628 के आसपास ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा था। अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि ये वीक में ये स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और मतलब ये ब्रेकआउट मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज ये स्टॉक ने पास्ट में भी एक अच्छा रिटर्न दिया है। तो ये स्टॉक का जो ब्रेकआउट है वो 810 के आसपास हुआ है, और इसमें जो मुझे अपसाइड दिख रही है वो 1020-1440 का दिख रहा है। अगर ये स्टॉक वापस से 710 का लेवल तोड़ देगा तो ये स्टॉक मेरे लिए वीक हो जाएगा। अभी जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना ये स्टॉक का वीकली चार्ट है, मैं आप लोगों को एक बार इसका डेली चार्ट दिखा देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक कंटिन्यूसली 810 लेवल को तोड़ नहीं रहा था, अब वो स्टॉक ने वो लेवल को तोड़ दिया है और कंटिन्यूसली वो लेवल के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसीलिए ये स्टॉक मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है आने वाले टाइम में एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, आप इसको जरूर ध्यान में रखिए। और अगर ये स्टॉक 710 लेवल तोड़ देगा तो वीक हो जाएगा। अभी हमारे लिस्ट में आज का जो सबसे लास्ट स्टॉक है उसका नाम है कोठारी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। अभी आप ये जो चार्ट देख रहे हो ये स्टॉक का मंथली चार्ट है, यहाँ पे भी आप देखिए कि ये स्टॉक का जो रेजिस्टेंस लेवल था ये 2008 में था,
और ये स्टॉक ने यहाँ पे एक अटेम्प्ट किया था 2018 में, पर ब्रेकआउट नहीं हो पाया, और अभी मतलब 2021 में ये स्टॉक ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया है। अगर मैं इसके वॉल्यूम्स को हाइड कर दूंगा तो आपको यहाँ पे कुछ कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा एक पैटर्न देखेगा ब्रेकआउट के लिए, तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव चीज है। ये स्टॉक ने जो ब्रेकआउट किया है वो समवेयर अराउंड 36-50 रुपीज के आसपास किया है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। और आप अगर ये स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो आप लोगों को रियलाइज होगा कि भाई ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है विद हाई वॉल्यूम, तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव चीज है। अभी मैं वापस आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम में लेके आता हूँ। ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है समवेयर अराउंड 36-50 लेवल के आसपास। ये स्टॉक में जो अपसाइड है वो मुझे 55-65 रुपीज की दिख रही है, और अगर ये स्टॉक ने अगेन 30 रुपीज को ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान में रखिए। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये स्टॉक के बारे में मुझे फंडामेंटली कुछ भी नहीं पता है, तो अगर आप लोगों को फंडामेंटल्स के बारे में जरा भी आइडिया है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि कोठारी पेट्रोकेमिकल्स के फंडामेंटल्स कैसे है। बाकी ये स्टॉक ने टेक्निकली तो ब्रेकआउट अच्छा ही दिया है। तो ये थे सारे स्टॉक्स जो मुझे अच्छे लग रहे हैं आने वाले टाइम में एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ जो भी स्टॉक शेयर किए हैं ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप लोगों को कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई भी एक्शन लेना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करिए, उसी के बाद ये स्टॉक्स में एक्शन लेना। अभी जैसे कि आप लोगों के बहुत क्वेश्चन आ रहे थे रिलेटेड टू टाटा मेटालिक स्टॉक, तो मैंने आप लोगों को बताया ही कि टाटा मेटालिक अभी रिटेस्ट करने आया है, और मैंने आप लोगों को वीडियो में भी बोला था कि टाटा मेटालिक का जो बाइंग जोन है वो कौन सा अच्छा है। तो मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि अगर आप कोई स्टॉक ब्रेकआउट में मिस कर देते हो तो कोई बात नहीं है, मतलब कभी कभी कोई स्टॉक एक महीने बाद रिटेस्ट करता है, कभी कभी कोई स्टॉक दो महीने बाद रिटेस्ट करता है, बट वो स्टॉक रिटेस्ट जरूर करता है और वही टाइम होता है वो स्टॉक में हम लोगों को एंटर करने का। पर जनरली ये टाइम पे बहुत सारे ट्रेडर डर के वो स्टॉक से एग्जिट हो जाते हैं। तो देखो मार्केट में कुछ ज्यादा नहीं चाहिए होता है, मार्केट में आपका एक एनालिसिस चाहिए होता है जो आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ लेना चाहिए, और दूसरा वो एनालिसिस के ऊपर आपका एग्जीक्यूशन चाहिए रहता है। तो जनरली ये डिसिप्लिन कोई फॉलो नहीं कर पाता है और उसी की वजह से मार्केट में ज्यादातर लोग प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं, बिकॉज जो एरिया बाय करने का है वहां पे तो हम बाय करेंगे नहीं, और जो एरिया बाय नहीं करना होता है वो एरिया पे हम लोग स्टॉक को बाय करते हैं। तो ये था मेरा व्यू, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इसलिए मैंने ये वीडियो में उसको कवर कर लिया। और हाँ, मुझे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर कौन सा ब्रोकर अच्छा है ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, मेरे हिसाब से इंडिया में सारे ब्रोकर ही अच्छे हैं अगर आप लोगों को ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करने हैं तो। पर अगेन ये आपके ऊपर होता है कि आपको कौन से ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है। अगर आप लोगों को एंजल ब्रोकिंग के साथ अकाउंट ओपन करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को कोई भी डीलिंग रिलेटेड सर्विस तो नहीं दे पाऊंगा, पर यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ऐसी सर्विस दे सकता हूँ जो अकाउंट ओपनिंग के बाद, मतलब आपका अकाउंट ओपनिंग के बाद जब भी कोड जनरेट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को एक ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां पे डेली बेसिस पे आप लोगों को कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन मिलती रहेगी। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को मेरा पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, आपके किसी फ्रेंड के साथ मेरा वीडियो शेयर कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग मिलेंगे कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।